अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फराह खान, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड ब्यूटी टिप्स। अच्छा जी, डायरेक्ट टॉपिक की बात करते हैं। जिस तरह से समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट क्या हो गया है, मिड में ही आ गया है। इस वक्त इतनी गर्मी हो रही है ना कि सिर्फ स्वेटिंग स्वेटिंग स्वेटिंग, जो हाउस वाइफ वीमेन है उनका तो हाल ही बुरा है स्वेटिंग से ना। फेस पे जब हम स्वेटिंग होती है तो हम उसको तो बार बार वॉश कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी स्कैल्प स्वेटिंग करती है उससे हमारे बाल जो गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो हमारे जो स्कैल्प में इचिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी डेली बेसिस पे शैम्पू भी यूज़ करना पड़ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे हेयर के लिए। तो स्कैल्प की हर्टिंग जो है वो स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए होता है एक एंटी स्वेट हेयर स्प्रे, जो कि जिसे हम अपने स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए स्कैल्प पे यूज़ कर सकें। तो जी, स्प्रे की अगर हम बात करें तो एंटी स्वेट हेयर स्कैल्प स्प्रे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, तकरीबन 2400-2500 से स्टार्ट होते हैं, फिर आगे जाके तो आप जिस तरह के जितने हायर ब्रांड पे जाएं उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो मैं आपको आज बनाना सिखाने वाली हूँ जी यही आपका एंटी स्वेट हेयर स्कैल्प स्प्रे एट योर होम विद जस्ट टू इन्ग्रीडियंट्स। यस, सही सुना आप लोगों ने, विद जस्ट टू इन्ग्रीडियंट्स। यहाँ पे हमें कोई एक्सपेंसिव इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, एलोवेरा जेल है जो मैं अपनी तकरीबन सारी रेमिडीज में यूज़ करती हूँ, और उसके साथ है पानी, हर घर में अवेलेबल होता है। पानी साफ होना चाहिए, सिर्फ वो खारा वाला नमक वाला पानी ना हो, ठीक है। हमें चाहिए इसके लिए मीठा पानी, ठीक है। सॉल्टिश वाटर हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सॉल्टिश वाटर तो वैसे भी जो है वो बालों को बिल्कुल ही बेजान कर देता है। तो जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने जो है वो एलोवेरा जेल लिया। प्लांट वाला एलोवेरा जेल यूज़ नहीं कीजिएगा व्यूअर्स, क्योंकि प्लांट वाला अगर आप एलोवेरा जेल को यूज़ करेंगे तो वो जो है वो आप उसको स्टोर नहीं कर सकेंगे। ये तकरीबन मेरा जो है वो देखने यूज़ करते करते जो है वो ख़त्म होने लगा है। ये इस तरह से आपने स्पून को एक भर के ले लेना है, 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लिया है, ये आप देखें, ठीक है। थोड़ा सा और निकाल लेते हैं, निकल जाओ भाई, ये निकल गया है, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1 ग्लास सिंपल वाटर, ठीक है। ये मेरा ग्लास थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा कम ही रख रही हूँ। आप जो है अगर नॉर्मल घर वाला ग्लास यूज़ करेंगे तो आपने सिंपल वाटर से 1 ग्लास लेना है। इसको आप इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स करें, ठीक है। ये ना समझेगा कि मैं आपको बोलूँगी कि जी पी लें, ना ना, बिल्कुल नहीं। आपने इसको जो है वो ये आपके लिए एक हेयर स्कैल्प स्प्रे बन के रेडी। इसको आपने मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है कि आपका जो ट्रांसपेरेंट जो वाटर लुक है ना वो ख़त्म होके एक इस तरह से कि लाइक ऐसा लुक आ जाए, जैसे नारियल पानी, देखा आप लोगों ने नारियल पानी जिस कलर का होता है ना, उस तरह का ये आपका जो है वो वाटर रेडी हो जाए। जब तक मैं ऐसे मिक्स करके रेडी कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मिलती हैं आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़। अब इस तरह का एक आपने जो है वो स्प्रे बॉटल लेनी है, और इसको आपने इस तरह से स्प्रे बॉटल के अंदर पोर कर लेना है। ये देखिए, स्प्रे बॉटल को आप बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको अच्छी तरह से शेक कर लें, ताकि अगर कोई लम्स इसके जो है वो बाकी रह गए हों तो वो भी इसके अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाए। यहाँ पे आपका जो है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपका एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटी स्वेट हेयर स्प्रे बन के रेडी है। करना क्या है जी, आपने शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद आपने कंडीशनर किया। जो लोग नहीं करते हैं, गलत करते हैं, किया करें। इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि कंडीशनर शैम्पू के बाद क्यों अप्लाई करना ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर इसके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। तो जी, आपने उसके बाद जब एक दिन तो हमारे बाल सही रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब हम जैसे ही फ्लेम के आगे गए या जैसे ही हम जो है वो धूप में निकले और वापस से जब हम घर आते हैं, तो फिर हमारे स्कैल्प के अंदर आप नोट कीजिएगा कि ग्रीजी होना शुरू हो जाती हैं, स्वेट करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पसीना आता है, गर्मी का मौसम है तो स्कैल्प स्वेट करती हैं, और बालों की जो जड़ें होती हैं उनमें अजीब सी एक चिपक आ जाती है। उस वक्त आपने क्या करना है, आपने शैम्पू करके निकलना है, अपने बालों को जो है वो ड्राई कर लेना है। जब आपके बाल ड्राई हो जाएँ तो आपने फिर अपने बालों में जो है वो बीच बीच में से बालों को खोल खोल के, मतलब मांग निकाल निकाल के पूरे हेड में आपने इसको स्प्रे करते जाना है, ठीक है। स्प्रे करेंगे पूरे हेड में, इसको स्प्रे कर लेंगे, उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल छोड़ देंगे, कॉम कर लेंगे। उसके बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी स्कैल्प जो है वो स्वेटिंग, अगर आपकी स्कैल्प कर रही थी ना, तो 1 यूज़ में 50% की आपको कमी नज़र आएगी, वाजिया फ़र्क नज़र आएगा।
उसके अलावा जब भी आप शैम्पू करें यही करें, और उसके आप शैम्पू के अलावा भी आप मॉर्निंग में उठें, आपके बालों को, आपको स्कैल्प लग रहे हैं कि ग्रीजी हो चुका है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी, लेकिन टिप मैं आपको अभी नहीं दूंगी, वो भी टिप आपकी जो है वो ऐसी टिप है कि अगर आपके बाल, आपने ये स्प्रे करना आप भूल गए, ठीक है, आप भूल गए, आपने जो है वो जल्दी से, आपको जॉब के लिए देर हो रही है, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, आपके हस्बैंड भूखे बैठे हुए हैं, आपको खाना बनाने के लिए देर हो रही है जी, आप जो है वो शावर लेके निकले और आप भूल गए कि आपने स्प्रे भी करना था, तो फिर आप क्या करेंगे जी, उसके लिए मैं, आपकी स्कैल्प हो गई अगले दिन ग्रीजी। अब आपको याद आ रहा है कि जी मैंने तो कल किया ही नहीं था स्प्रे, इसलिए मेरी स्कैल्प जो है वो स्वेटिंग होने के बाद ग्रीसी हो गई है, तो आप शैम्पू नहीं करेंगे क्योंकि शैम्पू बहुत हार्मफुल है, वीक में जस्ट 2 or 3 times ही करना चाहिए, अदरवाइज नॉट, आप जस्ट अपने बालों को पानी से वॉश कर सकते हैं, शैम्पू नहीं कर सकते डेली बेसिस पे। फिर आपने क्या करना है उसके लिए, अगर आपको जानना है कि कैसे आप उस ग्रीस को ख़त्म कर सकते हैं और अपने बालों को दोबारा से ऐसा लुक दे सकते हैं कि आपने जैसे अभी अभी शैम्पू किया हो, तो जी कमेंट कीजिए और पूछिए कि जी बताइए वो क्या टिप है, तो मैं आऊँगी आपके लिए उसके लिए एक न्यू वीडियो लेके जी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।